नमस्कार साथियों, मैं हूं अभय प्रशांशु पांडे और अभिषेक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम धारा विद्युत के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने पूर्व प्रश्न पत्रों से बहुत सारे प्रश्न जो है डिस्कस किए हुए हैं और इसी सिलसिले में हम आज अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। अच्छा, बारहवीं के भौतिकी के लिए मैं अभिनव तुषांशु पांडे, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए आपको शिक्षक मिलेंगे। हमारा ये सीजी बोर्ड का एग्जाम सीरीज चल रहा है और अभिप्सा के प्लेटफॉर्म में सीजी एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से या आपके यूट्यूब चैनल पर मिशन 2023 के नाम से ये चीजें उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो वहां पर ना सिर्फ आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपको जो है कुछ एडिशनल पर्क्स यानी कि कुछ विशेष सुविधाएं मिल रही होंगी, जैसे कि माइंड मैप है, शॉर्ट नोट्स है, 1-to-1 मेंटरशिप है और बहुत सारी और भी मजेदार चीजें हैं। तो आइए आप जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। हम लोगों ने PYQ 3.1 चालू किया हुआ था। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं अनुगमन वेग के बारे में, इसके बाद में जो है इलेक्ट्रॉन के जो है मतलब ओम के नियम के सत्यापन के बारे में 2006-07 के जो प्रश्न के बारे में, इसके बाद में हम लोगों ने विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर जो है यहाँ पर देखा हुआ है और इसी तरीके से जो है हम लोग जो है बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। आज जो है हमारे चर्चा का क्या विषय रहने वाला है, चलिए आइए देखते हैं। 2021 में सेल के आंतरिक प्रतिरोध के परिभाषा ये हम लोगों ने बात कर ली थी और हमारा अगला जो वीडियो बचा था वो था किरचॉफ के नियम। अब ये जो किरचॉफ का नियम है इसको पहले समझ लेंगे, उसके आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे और संतुलन के लिए शर्त को सत्यापित करेंगे। हर जगह जो है वही बात है और इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन की ओर अगले प्रश्नों में पढ़ रहे होंगे। तो आइए पेन कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि किरचॉफ के नियम क्या क्या बोलते हैं। किरचॉफ के नियम को एक बार दोबारा याद करो तो हमको पता चलता है कि किसी भी एक बिंदु पर जहां पर बहुत सारे तार आकर जुड़ रहे होते हैं, बहुत सारे नोड आकर जुड़ रहे होते हैं, उन्हें हम जंक्शन कहते हैं। और किसी भी जंक्शन पर जो है कुल मिला के आने वाली धाराओं और कुल मिला के बाहर जाने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। इसको जो है हम लोगों ने समझा। उसके बाद में हमारा जो दूसरा नियम है वह लूप का नियम है और इस लूप के नियम में जो है क्या कहता है कि किसी भी एक बंद लूप में कुल मिला के विभव के मान में अंतर का जो कुल मिला के योग होता है वह शून्य होता है। तो यहां पर जो है इन दोनों नियमों की जो है हम लोगों ने बातें कर ली थी। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता कैसा है और व्हीटस्टोन ब्रिज के दिखने के हिसाब से जो है हम आगे की रणनीति बनाएंगे। यहां देखिए कि यदि हम लोगों ने चार प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया, देखिए, और यहां पर जो है बीच में हम लोगों ने गैल्विनोमीटर लगा दिया है और इसे जो है किसी सेल से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि यदि यहां पर से धारा का मान आई यहां से जा रहा हो तो ये I1 और I2 में बट जाएगा। अब जो है हम प्रतिरोधों का नाम रख देते हैं भैया, तो यहाँ पर हम रख देते हैं R1, ये रख देते हैं R2, ये रख देते हैं R3 और ये रख देते हैं R4। अब जो है हम जब लूप का नियम लगाएंगे तो लूप के नियम में हम क्या देखते हैं, ये हमारा एक लूप है बिंदु A, B, C और D में। तो A, B, D यहाँ इस लूप में है, तो लूप A, B, D देखो, लूप A, B, D और यहां पर हमको क्या नजर आता है, देखिए I1R ऋण। ऋण क्यों? क्योंकि भाई हम इस दिशा से जा रहे हैं, यहां से वापस आएंगे तो ये विपरीत दिशा हो गई, तो ऋण I2। अब वहां पर R1 है और यहां पर है R3, I2R3 बराबर 0, या यहां से हमको पता चल जाएगा कि I1R1 बराबर I2R3। ये हमारा पहला समीकरण हो जाता है। इसी तरीके से जब हम लूप ये वाले लूप की बात करते हैं, क्या लूप हो गया, लूप BDC। अब लूप BDC में भी आप देखेंगे तो क्योंकि यहां से I2 का करंट जा रहा है और नीचे कोई धारा नहीं आ रही है, इसलिए यहां पर भी धारा का मान I2 और यहां पर भी धारा का मान I1 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि I2
I2 R2 का ऋण I1 R4 बराबर शून्य, क्योंकि जब भाई देखिए यहाँ पर धारा का मान जो है विपरीत है उसके, ठीक है। अब इन दोनों से जो है हमको पता चलेगा कि I2 R2 बराबर I1 R4। अब जो है इसका इस समीकरण का नाम रख देते हैं B, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यदि हम समीकरण A उठाएं तो हमको क्या नजर आता है, समीकरण A से हमको नजर आता है R1 बटा R3 बराबर I2 बटा I1, ठीक है। R1 बटा R3 बराबर I2 बटा I1, और यहां से हम लिख सकते हैं R2 बटा R1 मिल सकता है। तो देखिए I2 बटा I1 बराबर R4 बटा R2। अब यहां से हमको क्या समझ में आया, हमको ये देखिए हम इनका जो है ये यहां पर I2 बटा I1, यहां पर भी I2 बटा I1, और यहां से हमको मिल जाता है, फिर से देखेंगे तो यहां से हमको मिल जाता है R1 बटा R3 बराबर R4 बटा R2। और इस प्रकार से जो है हमको ये समीकरण मिलता है R1 बटा R3 बराबर R4 बटा R2, या ठीक है। तो इस समीकरण से जो है हमको जो है व्हीटस्टोन सेतु की जो है मतलब शर्त समझ में आती है, और व्हीटस्टोन सेतु की शर्त क्या है, वो ये है कि यदि इस प्रकार की जो है व्यवस्था में R1 R2 यहाँ R3 और यहाँ R4 हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था में यदि R1 बटा R2 किसके बराबर हो, R3 बटा R4 के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह बीच वाली गैल्वेनोमीटर से नहीं होता है। ये हमारा जो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उपयोग करके हम कहां कहां चर्चा करने वाले हैं, इस सिद्धांत का उपयोग हम मीटर ब्रिज में करेंगे, इस सिद्धांत का ही उपयोग हम मीटर सेतु में करेंगे मतलब पोटेंशियोमीटर में करेंगे, और उन समीकरणों की सहायता से जो है बहुत सारा हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम भी और हमारे मुख्य एग्जाम में भी जो है हमको मदद मिलेगी। तो इसी तरीके के प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।